अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम यहाँ बना रहे थे पानी पूरी और सेव पूरी। हाँ, चाट का ठेला ही समझ लीजिए कुछ हद तक, बिकॉज घर पे कुछ गेस्ट आए हुए थे तो ये बच्चों को भी पसंद है और हम बड़ों को भी पसंद है। बड़ों को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद होती है ये चीज़। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रगड़ा बना लेते हैं पानी पूरी के लिए, क्योंकि मुंबई में सबसे ज़्यादा रगड़ा ही दिया जाता है पानी पूरी के साथ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने सफ़ेद बटाना ले लिया था, रात भर उसे भिगो के रखा। उसके बाद उसे कुकर में डाल दिया, नमक हल्दी और आलू पानी के साथ उसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। और अब यहाँ तैयारी कर लेते हैं मीठे पानी की। तो मीठे पानी बनाने के लिए सबसे पहले इमली का पल्प हमें निकाल लेना है। पानी इमली को गर्म पानी में भिगो के रखना है, उसके बाद उसका पानी निचोड़ लेना है, एक पैन में ऐड करना है। उसके बाद उसमें शक्कर और लाल मिर्च डालकर अच्छे तरीके से पकाना है। डार्क होने के लिए कॉर्नफ्लावर ऐड कर दीजिए। मेरे पास यहाँ पे खजूर नहीं था इसलिए मैंने खजूर नहीं यूज़ किया, आप चाहो तो कर सकते हो। और यहाँ पे तीखे पानी की भी तैयारी कर लेते हैं। तीखे पानी के लिए हमें चाहिए था अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना, मिर्ची और ज़ीरा। इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इसमें ठंडा पानी डालना। ठंडा पानी के साथ पानी पूरी का मज़ा ही कुछ अलग लेवल का होता है। फिर इसके बाद इसमें हमने डाल दिया था काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा, और हम सब की बचपन की याद सोनी जी का जलजीरा। अब इस चीज़ों को ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा लेमन डाल देना है खटास के लिए। आपका स्पाइसी आप अपने हिसाब से देख लेना, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो कुछ ज़्यादा ही मिर्च आप ऐड कर दें इसमें। और यहाँ पे देखिए हमारी पानी बनाते बनाते यहाँ पे रगड़ा भी रेडी हो गया था। रगड़ा भी अच्छे तरीके से रेडी हो गया। आप आलू इसमें मैश कर लेंगे और रगड़े की प्लेटिंग कर लेते हैं हम। तो रगड़े की प्लेटिंग के लिए मैंने प्लेट में निकाल लिया था रगड़ा, उसके ऊपर मैंने ऑनियन, टमाटर और उसके साथ साथ कोरिएंडर डाल दिया था। लुक में बहुत अच्छा लग रहा था, जितना लुक में अच्छा लग रहा था खाने में भी उतना ही जायके का लग रहा था। और अब हम तैयारी करने लगते हैं यहाँ पे हमारे सेव पूरी की। तो सेव पूरी के लिए ना मैंने आलू पहले ही बॉईल कर लिया था जब मैं यहाँ पे रगड़ा बॉईल करने के लिए रखी थी, आपने देखा होगा। तो आलू को भी अच्छे तरीके से हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। उसके बाद जो चपटी आती है उस पर हमें रख देना है आलूओं को छोटे छोटे पोर्शन में, और उसके ऊपर ऑनियन, टमाटर, अनार, अगर आपके पास अनार है तो डालो, मैं तो नहीं डाली थी, ऑप्शनल है। और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन चटनी जो हमने बनाई थी पानी पूरी के लिए, सेम चटनी का यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर दी थी इमली का चटनी, और इमली का चटनी ऐड करने के बाद और उसके बाद हमें इसमें ऐड कर देना है नायलॉन सेव, और भर भर के नायलॉन सेव डालना है, कोई कंजूसी नहीं करनी है। और हमें गार्निश कर देना है कोरिएंडर से। ये इतना टेम्पटिंग और इतना यम्मी बना हुआ था मैं बता नहीं सकती। तो बताने के लिए सबसे पहले आपको ये सारी रेसिपीज ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कैसा बना हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। और सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।